हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक, और बिटवाइज ऑपरेटर। तो सबसे पहले कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है ये जान लेते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, मतलब कि इसमें तीन यानी दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स यूज होते हैं। मतलब वैल्यू जैसे ए बी सी, ये तीन ऑपरेंड हो गए, ये तीन यूज होते हैं। मतलब दो से ज़्यादा, तीन तीन से ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन दो तीन से कम भी नहीं कह सकते। तो इसके लिए हम देखिए, जैसे हम कह सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक। कंडीशनल ऑपरेटर में कंडीशन चेक करते थे, ठीक। तो उसमें जो वैल्यू होती थी वो बता देता था कि कौन सी बड़ी है, ठीक। तो जैसे ए लेस देन बी करते थे तो बताता था यदि ए लेस देन है ये तो ट्रू और फॉल्स बता देता था, ठीक। लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर में ये नहीं बताता। कंडीशनल ऑपरेटर में रिलेशनल ऑपरेटर की तरह कंडीशनल ऑपरेटर में कंडीशन में ये बताता है कि हम कह सकते हैं जैसे ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी, कुछ भी हम ले लें, कंडीशन देते हैं, ठीक, कि यदि इनमें जो वैल्यू है यदि ट्रू है, इफ ट्रू तो एक्स इज इक्वल ए, और यदि इल्स फॉल्स है तो एक्स इज इक्वल बी। मतलब ए बी सी ले लिया ना हमने, ए और बी, ए और बी के बीच कंडीशन देते हैं कि ए यदि बड़ा है तो इसकी वैल्यू सी में जाए ए, ठीक, और यदि बी बड़ा है तो भी एक्स सी में ही जाए, लेकिन कैसे जाए, यदि ट्रू है तो ट्रू वैल्यू जाए और फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू जाए। तो इस तरह से कंडीशन दी जाती है इसमें कि यदि ट्रू है तो ट्रू वाली वैल्यू सी में जाए, यदि फॉल्स है तो सी में जाए, लेकिन कब जाए, इफ इल्स लगा के, ठीक। तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट जब यूज करेंगे, हम आगे ट्यूटोरियल में बताएंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। इफ एल्स, एल्स लैडर, बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत बताएंगे अगले ट्यूटोरियल्स में। लेकिन अभी हम ये जो कंडीशन वाला ऑपरेटर है इसके बारे में आप ये जानिए कि ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। इसमें हम दो से ज़्यादा यानी तीन तीन ऑपरेंड यूज करते हैं और ऑपरेटर यूज करते हैं। ऑपरेटर जितने चाहे उतने यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेन है तो वहाँ पे ए प्लस बी किए, ए माइनस बी किए, या ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज नहीं होते हैं। सिर्फ कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर सामान्यतः यूज होते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं जब ए ग्रेटर देन बी करते हैं या बी ग्रेटर देन ए करते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में जो ट्रू या फॉल्स होगा वो अलग अलग वेरिएबल्स में जाके स्टोर होंगे। तो ए और बी की वैल्यू जब ए ट्रू होगा तो ट्रू वैल्यू जाके सी में स्टोर होगी, और यदि बी ट्रू होगा, यदि ए फॉल्स होता है तो बी ट्रू होगा, तो बी ट्रू जाके कहाँ स्टोर होगा, सी में वैल्यू। तो इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर होता है। तो नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर सीधे लॉजिकल ऑपरेटर की तरह होता है। इसमें भी बिटवाइज ऑपरेटर ठीक स्पेशल ऑपरेटर सपोर्ट करता है, ठीक, जो मैनिपुलेशन वैल्यू के वैल्यू ऑफ बिट लेवल यानी बिट लेवल के ऑपरेटर को ये सपोर्ट करता है, जिसे हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो शिफ्ट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज एंड पहला ऑपरेटर है इसका, बिटवाइज एंड, ठीक, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, वंस कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट एंड जीरो फिल। तो ये छह तरह के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। जिस तरह से हमने देखा था लॉजिकल एंड में दो एंड ऑपरेटर यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिटवाइज में सिर्फ एक ऑपरेटर यूज होता है। जो बिटवाइज मतलब लॉजिकल नॉट का जो ऑपरेटर था वो बिटवाइज और में आ गया है, बिटवाइज और वहाँ पे ऑपरेटर यूज होता है, ठीक। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ये वन येट होता है, ठीक। वंस कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, यानी वन को जीरो, जीरो को वन करना, ठीक। इस तरह से वन कॉम्प्लीमेंट होता है यानी जी बदलाव मतलब उल्टा अपोजिट देना, ठीक। शिफ्ट लेफ्ट यानी लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, डबल लेस देन इसका सिंबल होता है, डबल ग्रेटर देन होता है शिफ्ट राइट के लिए, ठीक। और जब ट्रिपल ग्रेटर देन होता है तो शिफ्ट राइट विथ फिल जीरो होता है। तो इस तरह से हमने सीखा क्या कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। अब हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक। स्पेशल ऑपरेटर जावा में कुछ
कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में इसके बारे में विस्तृत बताऊंगा, और तब तक के लिए आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।